हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा जीवन ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम हाजिर हैं आज आपको बताने के लिए, हमारे फेस पर अनचाहे बाल हो जाते हैं, उन बालों को हम हटाना चाहते हैं, कैसे उनको हटाएं। हम अनचाहे बालों को हटाने के लिए एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल रेमेडी लेके हाजिर हैं। आप इसको देखेंगे, हम आपको बताएंगे बनाने का सही तरीका, लगाने का सही तरीका। जिस तरह हम बताएंगे उस तरह आप यूज करेंगे तो आपके फेस से सारे बाल हट जाएंगे। आप देखिए इसको बनाने के लिए क्या चाहिए। हमें लेना होगा सबसे पहले खाली बाउल कांच का, और हमें चाहिए इसको बनाने के लिए एक चम्मच बेसन। इस तरह देख लीजिए, और ये इस तरह हमें बेसन चाहिए, और इसमें चाहिए हमें शुगर, पिसी हुई चीनी हमें चाहिए। हम दो पीस कर एक कंटेनर में इस तरह रखते हैं, ऐसे रखते हैं, कोई रेमेडी बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। इस चीनी को हम ऐसे ही डाल लेते हैं। अब हमें चाहिए इसमें डालने के लिए एक पिंच हल्दी। एक पिंच का मतलब एक चुटकी कह लीजिए, हमें हल्दी चाहिए। हल्दी कौन सी चाहिए हमें? इसको बनाने के लिए चाहिए कसूरी हल्दी। ये किचन की हल्दी हमें नहीं लेनी चाहिए, हमारे फेस को नुकसान करती है, हमारे फेस पे इसका इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे फेस पे सूट नहीं करती है। किचन की हल्दी यूज ही नहीं करना चाहिए, कसूरी हल्दी चाहिए। अगर कसूरी हल्दी आपके पास नहीं है तो आपको लेना होगा गांठ वाली हल्दी। गांठ वाली हल्दी हम कूट के सुखा लेते हैं, फिर उसको मिक्सर में पीस लेते हैं। पीसने के बाद उसका एक फाइन पाउडर तैयार करते हैं, उस पाउडर को इसमें हम ऐसे थोड़े से डाल लेते हैं। हमारे पास ये कसूरी हल्दी थी इसलिए हमने कसूरी हल्दी का यूज किया है। अब हमें चाहिए एक कच्चा दूध चाहिए। कच्चा दूध हमें थोड़ा सा चाहिए इस तरह, और हमें चाहिए नारियल तेल। नारियल ऑयल हमें चाहिए, अगर कोकोनट वर्जन है तो उसको ले लीजिए, वरना यही कोकोनट वर्जन हमें काम देगा। इस तरह थोड़ा सा डाल लेते हैं। अब इसको हम दोनों को सारे मिक्सर को मिक्स करेंगे। इस पेस्ट को मिलाने के बाद इसको मिला करके हमें 10 मिनट के लिए रखना होगा। इसमें हमने जो चीनी डाली है वो चीनी मेल्ट हो जाए, इसके लिए हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना होगा। अच्छे से पहले मिलाना होगा, इसके बाद ये 10 मिनट के लिए रख देंगे। ऐसे ही चीनी को फूलने के लिए रख देते हैं। अब ये जब फूल जाएगा तो हम आपको बताते हैं अपने फेस पर कैसे अप्लाई करेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसको इस तरह हम मिला लेते हैं फिर से। अब देखते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे अप्लाई करते हैं अपने फेस पर। आप देखते रहिए, इस तरह हमने आपको बताया है। कोई चीज़ अपने फेस पर लगाते समय हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं। देखते हैं हमारे फेस पे जहाँ पे अधिक बाल हो वहीं पे हम अप्लाई करेंगे। हमारे फेस पर यहीं पर अधिक बाल है, यहीं पर लोगों के सबके होता है अधिक। ये देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ लगाइएगा, एकदम मोटा सा नहीं। आप पूरे फेस पर लगा सकते हैं इसको। यहाँ भी बाल होते हैं छोटे छोटे, यहाँ भी लगा सकते हैं। आँखों के नीचे नहीं लगाना है, यहाँ बाल भी नहीं होते हैं। अपने फेस पर कोई पेस्ट अप्लाई करने से पहले हमेशा काटर से और रोज वाटर से अगर कोई मेकअप हो तो उसे हटा लेना चाहिए। फेस को साफ करने के बाद ही कोई पैक लगाया जाता है। आंखों के नीचे नहीं लगाइएगा, ऐसे ही लगा लीजिएगा पूरे चेहरे पर लगाकर ऐसे छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये सूख ना जाए। 10 मिनट में सूख जाता है, अगर नहीं सूखता तो 15 मिनट में सूख जाएगा। इस तरह सूखने दीजिए। पंद्रह मिनट हो गए हैं, हमारा फेस सूख गया है, आप देख सकते हैं।
अब आपको हम बताने वाले हैं अब इसको छुड़ाना कैसे है। इस तरह ऐसे ऐसे छुड़ा लीजिए, थोड़ा टाइट छूटेगा। ऐसे करके छुड़ा लीजिए। अब आपसे मिलते हैं हम धुलने के बाद। हमने फेस को धुल लिया है, आप देख सकते हैं हमारा फेस धुलने के बाद। यहाँ जहाँ बाल ज़्यादा होते हैं कुछ बाल टूट गए हैं, ये देखिए यहाँ यहाँ बाल होते हैं, ये बाल थोड़ा थोड़ा टूट गए हैं। इस पेस्ट को हम हफ्ते में 2 दिन लगा सकते हैं, धीरे धीरे हमारे बाल ख़त्म हो जाएंगे। आप कहेंगे कि दोबारा बाल नहीं आएंगे, बाल आएंगे। ऐसा तो कहीं है भी नहीं, कहीं लिखा नहीं है, कहीं है नहीं, कुछ बना भी नहीं कि जिससे हमारे बाल दोबारा ना आए। बाल आएंगे पर सख्त नहीं आएंगे, बहुत मुलायम हल्के बाल आएंगे और ज़्यादा दिन तक बाल नहीं आएंगे। धीरे धीरे हमारे बाल यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और एकदम सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। इस तरह यूज करने से इसको धुलने के बाद हमें अपने स्किन पर फिटकरी पानी या फिटकरी गुलाब जल हमें लेना होगा। इस बाउल में थोड़ा सा फिटकरी, देखिए हमने इसका एकदम पाउडर बारीक बना कर लिया है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं कैसा है, ये फिटकरी का पाउडर है। ऐसा ले लीजिए आप भी पाउडर और इसमें ले लीजिए रोज़ वाटर, ऐसे देख सकते हैं ठीक है। और नहीं तो इसी रोज़ वाटर में आप इस फिटकरी को घोल लीजिए ऐसे। और नहीं तो इस तरह आप पाउडर नहीं बनाते हैं तो फिटकरी को इस रोज़ वाटर में ऐसे ही डिप करके, ऐसे ही डिप करके उस फिटकरी से अपने पूरे फेस पर ऐसे ऐसे फिटकरी लगा लेंगे। नहीं तो इसमें थोड़ी सी लेनी होगी कॉटन, इसी रोज़ वाटर में फिटकरी पाउडर में ऐसे डिप करके इससे कॉटन से हम अपने पूरे फेस पर लगा लेते हैं। इससे हमारे फेस पर लालिमा नहीं आएगी, जहाँ जहाँ से बाल टूटे हैं वहाँ लालिमा आ सकती है। इसको लगाने से लालिमा नहीं आएगी, दाने नहीं निकलेंगे, दाने भी नहीं निकलते, लाल जैसे फेस लाल हो जाता कभी कभी उस तरह लाल भी नहीं होगा। इसको ऐसे लगा लेना चाहिए रोज़ वाटर और हमारी स्किन छोड़ ऐसे लगाने के बाद छोड़ देनी चाहिए, हमारी स्किन सही हो जाएगी, लाल नहीं होगी। लेकिन इसको यूज करने से हमारे बाल ख़त्म हो जाते हैं, जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। हफ्ते में 2 दिन यूज करना चाहिए। ये बहुत अच्छा पैक है, लगाने के बाद आप बताइएगा आपको इसका रिजल्ट कैसा आया। हमने तो यूज़ किया था, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए बाय बाय।